मैं शुरू से ही हिंदी में कर रहा हूँ। अच्छा आप शुरू से हिंदी में कर रहे हैं, फिर आपके लिए बोली हाई कोर्ट से एक हिंदी स्टेनो ऑर्डर है, अंग्रेजी में ऑर्डर लिखाएंगे तो आप और पक्षकार समझेगा कैसे? आप ही हिंदी में बनाने लगे चावला जी। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, राष्ट्रीय भाषा की आपको सेवा करना है। ये EWS का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता फॉर्म भरा था EWS कैटेगरी में, माय लॉर्ड हमने फॉर्म नहीं भरा। आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि हिंदी स्टेनोग्राफर की भी उपलब्ध कराया जाए, इससे आप जैसे याचिका करता हूँ कि याचिका का निवारण हिंदी में किया जा सके। नहीं नहीं ये आपको भेज देंगे, फिर आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मालोड, हाँ 2020 में मालोड हमने संयुक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था जी। भरा ठीक है, कहाँ है वो फॉर्म? एनेक्सर P4 पेज 104। अब हिंदी में बताइए ना, परिशिष्ट बोलिए, फिर एनेक्सर नहीं सुनेंगे। हिंदी में बताइए। हाँ पेज नंबर 104, 104 मालोड। 16/1/2020 को भरा था हमने फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद हमने एग्जाम भी दे दिया। मैलोड ठीक है, मैलोड ये एग्जाम हमने दिया है 16/3/2022 को। 16/3/2022 को परीक्षा देने के बाद हमको ये इसका रिजल्ट भी प्राप्त हो गया जी। रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है ये मैलोड, रिजल्ट की परीक्षा फल। हाँ परीक्षा फल है पेज नंबर 121 पे। आपके हिंदी प्रेम को फिर पूरा जागृत रखिए। माय लॉर्ड जी, पेज नंबर, पेज नहीं पृष्ठ क्रमांक 121, पृष्ठ क्रमांक 121। माय लॉर्ड ये परीक्षा परिणाम भी प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको ये EWS का प्रमाण पत्र T7 पेज नंबर 123 ये प्राप्त हुआ है। पेज नंबर नहीं पृष्ठ नंबर, पृष्ठ क्रमांक 25/8/2022 को। पृष्ठ क्रमांक 123, 123 जी, 25/8/2022 को ये प्राप्त हुआ। तब रिजल्ट परीक्षा फल घोषित होने के पूर्व की बाद में? बाद में, बाद में जी। तो आपने किस कैटेगरी में फॉर्म भरा था, किस श्रेणी में फॉर्म भरा था? हमने सामान्य की, बस सामान्य में। फिर आप कैसे EWS में माइग्रेट कर जाएंगे? मैलोड ये इसमें जो ये EWS का प्रमाण पत्र है, हाँ। ये हर वित्तीय वर्ष में बदलता है। ठीक, हर वित्तीय वर्ष में लेना होता है। तारीख को जी यह विज्ञप्ति निकाली गई थी मैलोड, ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जी। उस तारीख में क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का प्रमाण पत्र था? नहीं था। फिर लॉ क्या है कि जब फॉर्म भरा जा रहा है उसकी लास्ट अंतिम तिथि को जो आपकी अर्हता होगी उसी को लिया जाएगा जी। फिर लेकिन इनके पोर्टल में एक सुविधा थी, हाँ, कि जो भी अतिथि विद्वान है और उन्होंने परीक्षा के उपरांत भी अगर कोई अनुभव हासिल किया है तो वो उसमें संशोधन कर सकते अनुभव हैं। माय लॉर्ड इसके संबंध में ये इनकी एक काउंसलिंग की लिस्ट है। नहीं नहीं, आप तो पहले हमें नियम बताइए। माय लॉर्ड नियम क्या, उसी के संबंध में मैं बता रहा हूँ। ये पेज नंबर 148, पेज 148 माय लॉर्ड, पेज नहीं पृष्ठ क्रमांक, पृष्ठ क्रमांक 148। आप गलत बोलेंगे तो मैं पिटीशन फेंक दूंगा अभी, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लगाने के लिए कह दूंगा। माय लॉर्ड ये इसका पैरा 17 है, पैरा नहीं है अनुच्छेद, कंडिका क्रमांक 17, कंडिका क्रमांक 17 पढ़िए। इसमें अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन, किस बिंदु पे पढ़ रहे हैं आप? ये कंडिका क्रमांक 17, 17 की कौन सी? तीसरी, तीसरी जी। हाँ, ये अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17/11/22 से 24/11/22। हाँ, उसके बाद चौथा है MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना 8/12/2022। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना जी। ये पोर्टल इनका खुला हुआ है। अरे भाई, वह आपको आपकी जो श्रेणी है जी वो बदलने की अनुमति नहीं देता है। इसमें कहीं ये कह रहा है कि आप अनुसूचित जाति से जनजाति हो जाएंगे, सामान्य से EWS हो जाएंगे, EWS से OBC हो जाएंगे, ऐसा कोई फैसिलिटी है क्या इसमें? आप जो आपकी जो हैसियत है फॉर्म भरने की तारीख को, वो हैसियत नहीं बदलेगी, वो जाति नहीं बदलेगी, वो श्रेणी नहीं बदलेगी, ये सब चीजें अन्य अन्य बिंदुओं से संबंध रखती हैं। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु, दैट मीन्स
जो लोग अतिथि शिक्षक हैं उनका चिन्हांकन 17/11/22 से 24/11/22 तक किया जाएगा जी। उनके लिए कोई कोटा होगा कुछ भी होगा वो आपने बताया है नहीं जी। ठीक है, उसके बाद एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना जी। ठीक है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, ये चयन बोर्ड को करना है। सत्यापन दस्तावेज सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना जी। कौन से दस्तावेज, जब आप फॉर्म जिस कैटेगरी में आपने भरा है जो दस्तावेजों का जिक्र आपने फॉर्म में किया है उनको आपको अपलोड करना है जी। नया डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर देंगे? इसमें प्रश्न क्रमांक 20 देख लिया जाए। 20 चाहिए, प्रश्न क्रमांक 20 ये प्रारूप है? प्रारूप नहीं भाई, माय लॉर्ड ये तो या फिर प्रारूप है EWS का सर्टिफिकेट जारी करने इसको विचार में लिया जाए? नहीं बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, आपने जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया है उस वित्तीय वर्ष में आपको आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी का व्यक्ति अपने आप को दर्शाते हुए उस संबंध में प्रमाण पत्र हासिल करते हुए आवेदन भरना था। मानस मनी मतलब इसमें क्या हुआ है? दो बार दो बार इसमें परीक्षा रद्द हुई है मैलॉर्ड। ठीक है, हुई होगी। 2020 में पहले होनी थी कोरोना काल के कारण। श्रेणी के आगे लिखा है मैलॉर्ड, क्या आप EWS श्रेणी में आते हैं? दे आर डिनाइड दैट। नहीं, कहां लिखा है? श्रेणी 104 पे 104 नंबर 104 यस। श्रेणी है अनारक्षित, एक सेकंड, श्रेणी अनारक्षित युवा के आगे लिखा है, क्या आप EWS श्रेणी में आते हैं? नहीं, मैलॉर्ड उस वक्त हमारे पास नहीं था प्रमाण पत्र, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में परीक्षा दो बार रद्द हुई है। हुई होगी अगले वित्तीय वर्ष में। भरवाया था क्या इन्होंने? मैं नया भी फॉर्म भरवाया था। नया फॉर्म हमने नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? नया फॉर्म इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था नियमों में कि आपका पुराना फॉर्म ही चलेगा। ठीक है, तो पुराने फॉर्म में आपने आपको लिया तो नया फॉर्म भर के आप कहते साहब हम जो है अब हमारी कैटेगरी बदल गई है। उस वक्त हमारे पास नहीं था ये वित्तीय, हर वित्तीय वर्ष में हमारी स्थिति बदलती है। चलिए लिखिएगा, श्री आनंद चावला लर्नेड काउंसिल फॉर दी Petitioner's grievance is that petitioner was a candidate for appointment to the post of मतलब पेज नंबर 154 और देख लिया जाए। 154 और दिखा दीजिए। मतलब माननीय न्यायालय द्वारा इसको कंसीडर किया गया है। क्या कंसीडर किया बताइए, क्या लीगल पॉइंट क्या डिसाइड किया उतना बता दीजिए। नोटिस इशू हुआ है, ये बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर नोटिस इशू होना। इंटरिम मेजर में भी उन्होंने कहा है इंटरिम भी बाइंडिंग नहीं है। इंटरिम जो है लॉ ऑफ प्रेसिडेंट में नहीं आता है, स्टेट डायसिस का प्रिंसिपल है हिंदी, इसकी मुझे नहीं मालूम है, आप देखिएगा जाके शब्दकोश में, स्टेट डायसिस के प्रिंसिपल में इंटरिम ऑर्डर्स एंड नोटिस इश्यूएंस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट बेंच। आप हमें कन्विंस ही नहीं कर पा रहे कि जिस तारीख को आप फॉर्म भरा था उस तारीख को अगर आप इस श्रेणी के थे तो हम आपको नोटिस जारी करेंगे। मतलब उस तारीख को नहीं थे, नहीं थे, बात नहीं थे। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन।